हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अलमोक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 9th के पार्ट 3 की, चैप्टर का नाम है एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। ओके, देखो दोस्तों, ये जो पार्ट है पार्ट 3, मैं समझता हूं पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये है, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझाएगा। मैंने कोशिश किया है कि पूरे फ्रेमवर्क में सेटअप करूं इसको, अलग अलग चैनल से अलग अलग जगह से मैंने एक सिस्टमेटिक कंसेप्ट को करने की ट्राई की है, तो ये आपके सामने फ्रेमवर्क रखा है मैंने। समझना, देखना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला आज, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ओके, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कोई है तो सन है, बराबर। सन गिव्स आउट हीट एनर्जी, उनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से हाइड्रोजन हीलियम, सुना होगा शायद कभी, तो रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हीट एनर्जी इज गिवन आउट, लाइट एनर्जी इज गिवन आउट, हीट मिलता है। अब आगे का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बेसिक याद रखना। सन से हीट एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी जाता है प्रोड्यूसर्स के पास पे, बराबर। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे रिक्वायर सनलाइट, क्लोरोफिल चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सुना है कि नहीं, बराबर ना। सनलाइट चाहिए उनको, क्यों चाहिए एनर्जी, क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनके बॉडी के रिएक्शंस के लिए, बराबर। तो वो यूज करेंगे वो एनर्जी, वो ट्रांसफर करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर के पास से। लेकिन सब एनर्जी ट्रांसफर होती है क्या? नहीं, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, 90% वेस्ट, पूरा का पूरा वेस्ट। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, 90% वेस्ट। तुम सोचो कि ऐसा पैटर्न फिगर कैसे, एकदम ऐसा ही फिगर है, बड़े सरप्राइजिंग है, साइंटिस्टों के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था ये, बट ऐसा ही होता है, बहुत अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, फिर टॉप लेवल कंज्यूमर, हर एक स्टेज पे देयर इज 90% लॉस, ओनली 10% इज ट्रांसफर्ड। और एनर्जी क्यों चाहिए, बता दिया ऑलरेडी, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बराबर। अब समझते हैं कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, दो पिरामिड के एग्जाम्पल्स लिए मैंने। पहले मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर से हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनी वरस या तो अपेक्स कंज्यूमर्स, एक पैटर्न है, आपको पता ही है प्राइमरी कंज्यूमर, उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। नहीं समझ में आया तो पार्ट वन और पार्ट टू अपना देख लो। क्या मैंने बताया, यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी है, ओनली 10% विल बी ट्रांसफर्ड, तो 1,110। यहाँ पर भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहा है, 10,110, कहने का मतलब क्या है, खाली 10%, ओनली 10% ट्रांसफर होता है, 90% पूरा वेस्ट, ठीक है। फाइटोप्लैंकटॉन्स, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, zooplanktons, fishes, humans, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्या बताया मैंने, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, खाली 10% ही होता है, 90% वेस्टेज, और जो वेस्ट होता है वो सन के पास वापस कभी नहीं जाता, प्रॉब्लम। ओके, सो मैंने एक पार्ट में बताया था कि यस, ओनली 10% ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, 90% वेस्ट, पूरा का पूरा वेस्ट। तो मैंने क्या बताया, जो हीट एनर्जी लॉस्ट होता है 90%, वो सन के पास कभी नहीं जाता, इसीलिए ट्रांसफर इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, बराबर, क्लियर है, सिंपल। एनर्जी का फंडा क्लियर रखो, हीट एनर्जी का। अब दूसरा कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताया मैंने, ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट मिलेगा, प्रोड्यूसर से फिर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, फिर मर जाएगा। एक सिंपल से सभी को पता है, जब ऊपर के लेवल का कोई आदमी मरेगा तब क्या होगा, उसकी डेड बॉडी को डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे, बराबर, जमीन के अंदर। टाइम लगेगा बट इट विल हैपन। फिर क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है, चाहिए तो आप देख लो अच्छे से, मैंने लिखा है यहाँ पर, डिकम्पोज होगा और उसकी जो बॉडी है इट विल बी कन्वर्टिंग इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, क्योंकि उसमें वही होता है। फिर वो सॉइल के साथ मिक्स करती है, फिर वापस प्लांट्स उसको कंज्यूम करती है, फिर प्लांट्स से डायरेक्ट कंज्यूमर्स, आगे डिकम्पोजर्स, साइकिल चलता रहता है। एंड दिस इज नथिंग बट अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब क्या, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर वैसे ही आता है वो, जैसे तुम सुबह स्कूल जाते हो, हर जगह घूमते हो, आखिर घर ही आते हो ना, वैसे फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक, वापस आ ही जाता है, घूमता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो कंक्लूजन की बात करी यहाँ पर, एक तो हीट एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, जो एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब क्या, वापस सन के पास नहीं जाती, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स है वापस आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप ऊपर जाओगे क्या होता है, एनर्जी कम मिलती है, तो क्या होता है, वहां पर लोग कम होते हैं क्योंकि एनर्जी कम है,
कितनी ब्यूटीफुल तरीके से नेचर ने बनाया है उसको, समझ में आ रहा है आपको बातें? तो एनर्जी उस हिसाब से कम होती है, तो लोग कम होते ऊपर, इसीलिए आप देखते हो कि फाइटोप्लैंक्टन और छोटे छोटे प्लांट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, है ना? कितने प्लांट्स होते हैं? क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है उस लेवल पर, ये रीजन है। तो आपको बहुत सारे लॉजिक्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है? क्लियर रखना इसको।